की खुशियाँ हैं, फिर की कलियाँ हैं, रोजेदारों को मिली खुशखबरियाँ हैं। ईद और गलियाँ, ईद और गलियाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन। अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह, वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह, वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक प्यासे कलाम से, तो आइए चलते हैं प्यासे कलाम की तरफ। ईद और गलियां आ गई, सुभान अल्लाह। ईद और गलियां, तेरे सदके मियां का सारे जहां को दीन मिला। दीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा।
प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपना अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल और जवाब। उसमें मैं इनसे कुछ सवाल करूंगी, उनको उनका जवाब दे रहे हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ईद के दिन गरीबों का कैसा ख्याल रखना चाहिए? ईद और कलियां, बताइए बताइए। ईद की खुशियां है, सोचे सोचे। ईद की खुशियां है, फेंकी कलियां है। जी मैं अब बताइए। हमें अपनी सहेलियों में जो बच्चियां गरीब हों, उन्हें नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उन्हें भी अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। जी करीब फरमा, आप बताइए। हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। जी शाबाश, और कोई बताएगा? हमें उनसे ईद मिलनी चाहिए और उन्हें ईद मुबारक कहना चाहिए। शाबाश, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जी सुहा, आप बताइए। हमें अम्मी की परमिशन लेकर कोई मीठी चीज उन्हें भी लेनी चाहिए। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई। बोले बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े सस्ते और मेरे महंगे, ये ऐसा कह रहे बुरी बात है? जी बताइए। ये गलत बात है। जी आपने बिल्कुल सही बताया, ये बुरी बात है। इससे पता है भाई बच्चों, किसी का दिल भी टूट जाता है, और जब किसी को देखे तो माशाल्लाह कहना चाहिए। चले हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, लफ्ज ईद में कितने हरूफ है? जी आयशा। ये दाल, इस तरह 3 हरूफ है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा मेरा चौथा सवाल ये है, वो कौन सी ईद है जिसमें कुर्बानी की जाती है? रोजेदारों को। जी आप बताइए। बकराईद। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, बकराईद। यही बच्चों, बकराईद पे हम कुर्बानी करते हैं। यही बच्चों, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बकराईद मीठी ईद के कितने मंथ्स बाद आती है? जी आयशा, आप बताइए। 4। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। की खुशियां है। जी और कौन बताएगा इसका जवाब? ईद की खुशियां। जी जुवेरिया, आप बताइए। 1 दिन के बाद। जी जुवेरिया, मैं डे की बात नहीं कर रही, मैं मंथ की बात कर रही हूँ। खुशखबरियां है। 2 महीने। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, क्योंकि 2 मंथ कुछ दिन बाद आती है। इसके साथ ही हमारा सेगमेंट पे खत्म होता है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। ईद और कलियां आ गई, सुभान अल्लाह। ईद और कलियां, ईद और कलियां। मेरी फर्स्ट पहेली ये है, खड़ा है वो सुबह या शाम, चलना फिरना नहीं उसका काम, परिंदे भी उस पर बैठे, इंसान भी उसी कदमों में बैठे। जी कौन बताएगा इसका जवाब? जी मीरम, आप बताइए। साया। जी आपने कहा साया, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और कौन बताएगा? जी सुहा, आप बताइए। छाँव। जी आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी मैमुना, आप बताइए। दरख। जी आपने कहा दरख्त, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब मेरी दूसरी पहेली ये है, पहले उसे पानी पिलाओ, फिर मुक्को से उसकी पिटाई करो, पिटकर जब ये मोटा हो जाए, पतला होने के लिए दोबारा पिटाई खाए। जी कौन देगा इसका जवाब? जी खुदी स्वात्मा, कपड़े धोना। जी आपने कहा कपड़े धोना, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और कौन बताएगा? जी जो एरिया, आप बताएं। आटा। आटा कैसे? आटा गूंथते हैं। जी आपका जवाब दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी पहेली की तरफ। तो मेरी तीसरी पहेली ये है कि बीज डाले ना हल चलाए, जब भी काटो उससे वो खुद ही वापस आ जाए। जी कौन देगा इसका जवाब? दारों को मिली खुशखबरियां। जी जो एरिया, आप बताइए। नाखून। जी आपने कहा नाखून, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और मेरी कौन सी सहेली बताएगी? जी कटी बात, आप बताइए। बाल। जी आपने कहा बाल, आपका जवाब दुरुस्त है। बहादुर, माशाअल्लाह।
अब हम चलते हैं अपनी आखिरी लड़ाई की तरफ। तो हमारी आखिरी पहेली ये है, एक फल अंदर से ऐसा गोरा जैसे हो दूध का कटोरा। जी करी स्वाद में आप बताइए। सेब, केला। जी आपने कहा सेब और केला, आपके दो जवाब दोस्त सही है। जी और कौन बताएगा? जी तो आप बताइए। तरबूज। जी आपने कहा तरबूज, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी मैं बूटा आप बताए। खरबूजा। जी आपने कहा खरबूजा, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और कौन बताएगा इसका जवाब? की खुशियाँ हैं फिर की कलियाँ हैं, रोजेदारों को मिली खुशखबरियाँ हैं, रोजेदारों को मिली। जी मीरा आप बताइए। नारियल। जी आपने कहा नारियल, आपका जवाब दुरुस्त है। और इसी के साथ हमारा सेगमेंट पे खत्म होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्यारे बच्चों अब हमारा अगला सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसका नाम है सही या गलत। प्यारी बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सही या गलत। उसमें मैं इनसे कुछ सेंटेंस पूछूंगी, इनको बताना होगा सही या गलत। जी मेरा पहला सेंटेंस है, जराफा जमीन पे खड़े होकर ऊंचे दरख्तों के पत्ते खा सकता है। जी मेरा सेंटेंस सही है या गलत? इधर कलियां, इधर कलियां, ईद की खुशियां हैं फिर की कलियां हैं। मेरी तीन सहेलियों ने कहा सही और एक सहेली ने कहा गलत, और जिन तीन सहेलियों ने सही कहा उनका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जराफे की गर्दन सब जानवरों से लंबी होती है, इसलिए वो ऊंचे दरख्तों के पत्ते खा सकता है। अब मेरा अगला सेंटेंस है, मैंगो को वाटर मेलन भी कहा जाता है, बताइए सही या गलत? इधर कलियां, ईद की खुशियां हैं फिर की कलियां हैं। आयशा ने कहा गलत, गुल्लुख ने भी कहा गलत, मीरम ने भी कहा गलत, और जोहा ने भी कहा गलत। इस तरह मेरी तमाम सहेलियों का जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि प्यारे बच्चों वाटरमेलन अलग फ्रूट है और मैंगो अलग फ्रूट है। अच्छा अब मेरा अगला सेंटेंस, कराची सिंध का कैपिटल है, बताइए गलत या सही? इधर कलियां, इधर कलियां, ईद की खुशियां हैं फिर की कलियां हैं। आयशा ने कहा सही, गुल्लुख ने कहा गलत, मीरम ने कहा गलत, और जोहा ने कहा सही। इस तरह आयशा और जोहा ने कहा सही, गुल्लुख और मीरम ने कहा गलत। इस तरह आयशा और जोहा का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ। जुड़वा बहन भाई को ट्विंस कहते हैं, आप बताइए सही या गलत? इधर कलियां, इधर कलियां, ईद की खुशियां। यहाँ पे मेरी तीन सहेलियों ने कहा सही और एक ने कहा गलत। जिन्होंने कहा सही उनका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। इस चीज से हमारे सेगमेंट पे खत्म होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये तो बच्चियां ज्यादा तैयार होती हैं, मैचिंग के कपड़े, मैचिंग के शूज, मैचिंग की चूड़ियां, पोनीज, हेयर बैंड, स्कार्फ, शूज और अच्छी अच्छी मेहंदी भी लगवाती हैं। बच्चों की वजह से ईद के रंग में इजाफा हो जाता है। अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, उन्हें अपने वालदैन की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। और प्यारे बच्चों इन्हीं रंगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट है पिक द राइट कलर। इनको करना ये है, इनको 5 चूल्हों के सेट बनाने हैं लेकिन अलग अलग कलर्स की। तो आप दोनों शुरू कीजिए। फिर की कलियां हैं, रोजेदारों को मिली खुशखबरियां। चलिए लिखिए। रोजेदारों को मिली खुशखबरियां हैं, ईद और कलियां, ईद और कलियां।
एक सेट में 12 चूड़ियां होना जरूरी है। इधर कलियां, इधर कलियां। चलिए लिख कीजिए, आप दोनों को 5 थ्रेड बनाने हैं। फिर की कलियां है, ईद की खुशियां है। तो मीरा ने 2 सेट तैयार कर लिए हैं और गुल्लो दूसरा सेट तैयार कर रही है। रोजेदारों को मिली खुशखबरियां हैं। मीरम के 3 सेट हो चुके हैं और गुल्लू के 3 सेट हो चुके हैं। चलिए मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाइए। चलिए अब देखते हैं किसने कितने सेट बनाए हैं। गोल्डन, ब्लू, रेड, गोल्डन, सिल्वर, मीरम के 5 सेट्स हैं। देखते हैं वो लोग के कितने हैं। सिल्वर, ब्लू, पिंक, गोल्डन, ग्रीन, वो लोग के भी 5 सेट्स हैं। तो इस तरह ये मुकाबला बराबर रहा और हमारा सेगमेंट पे खत्म होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्यारी बच्चियों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम फिजिकल एक्टिविटी। उसमें इन दोनों को करना है, इन दोनों ब्लॉक्स की हेल्प से इन दोनों को लिखना है ईद, ईद डे 3। जी रुक कीजिए। ईद की खुशियां हैं, फिर की कलियां हैं, ईद की खुशियां। ईद डे 3 लिखा है। रोजेदारों को मिली खुश। अब देखते हैं जोहर कितनी देर में करती है। जोहर जल्दी कीजिए। चले मैं अभी कुछ हेल्प कर देती हूँ। चले मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। रुक जाइए। जुवेरिया ने ईद डे 3 लिख लिया है, तो मैंने लिखा है ईद 3 डे, लेकिन बात एक ही हो गई। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मेरा नाम मुस्कान है, मुझे केस बनी करना बहुत अच्छा होता है। मैं एक नाच सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मबावाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मबावाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मबावाना मुहम्मद। जी हाँ प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं जबरदस्त सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम जायका पहचान है। इसमें करना ये होगा, मेरी दोनों सहेलियों की आईज में ब्लाइंड फोल्ड है और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें रखी हुई है। मैं इनको बारी बारी ये चीजें टेस्ट करवाऊंगी और इनको बताने के मैंने इनको क्या क्या चीजें खिलाई है। तो चले हम शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। तो सीधे आप आयशा है, तो आयशा तैयार है? ईद की खुशियां हैं, फिर की कलियां हैं, ईद की खुशियां हैं, फिर की कलियां। जी आशा से टेस्ट कीजिए, बताइए मैंने आपको क्या खिलाया। खुशखबरियां हैं, रोजेदारों को मिली। अच्छी तरह सोच के बताइएगा। ईद और कलियां, ईद और कलियां। सोचिए सोचिए, समझ आ रहा है आपको कुछ? तो आप क्या कहना चाहेंगे आयशा?
मैंने कलाकंद खाई है। जी आयशा, आपने बिल्कुल सही बताया। तो अब हम चलते हैं कनीज फातिमा की तरफ। जी कनीज फातिमा, खुशखबरियां हैं रोजेदारों को मिली खुशखबरी। जी बताइए आपने क्या खाया। जी कनीज फातिमा बताइए आपने क्या खाया। हलवा। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। देखा प्यारे बच्चों, इन दोनों ने सही बताया। तो एक बार फिर चलते हैं आयशा की तरफ। जी आयशा ये लीजिए। ईद की खुशियां हैं फीकी कलियां हैं रोजेदारों को मिली। जी आयशा क्या खाया आपने। केक। जी आपने बिल्कुल सही बताया। तो एक बार फिर चलते हैं कनीज फातिमा की तरफ और देखते हैं ये सही बताती है या गलत। कनीज फातिमा ये लीजिए। ईद और कलियां आ गई, सुभान अल्लाह। ईद और कलियां। जी कनीज फातिमा क्या खाया आपने। कलाकंद। जी कनीज फातिमा आपने बिल्कुल सही बताया। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है याद रखे। इस गेम में हम ऐसे शामिल होंगी जुवेरिया और मैमुना। इस गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। इसमें स्क्रीन में इनको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और इनको वो याद रखनी होंगी। बाद में फिर हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या देखा। तो आइए हम अपना ये सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है याद रखे। तो जी शुरू करते हैं जुवेरिया से। जुवेरिया तैयार है जी। तो चले जुवेरिया को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ईद की खुशियां हैं फीकी कलियां हैं। ईद की खुशियां हैं फीकी कलियां हैं रोजेदारों को मिली खुश। आपने क्या क्या देखा। रस्सी, सेवर, धूप, आम, दरवाजा, चेयर, किताब, बल्ब। रोजेदारों को मिली खुशखबरियां हैं। और बताइए याद कीजिए। केला। और सोचिए सोचिए। आम, गाजर। माशाल्लाह जुवेरिया ने 11 पिक्चर्स के नाम बता दिए। तो आइए चलते हैं मैमुना की तरफ। जी मैमुना आप तैयार हैं। जी लगता है मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं मैमुना को पिक्चर दिखाते हैं। हैं रोजेदारों को मिली खुशखबरियां हैं। ईद और कलियां, ईद और कलियां, ईद और कलियां आ गई, सुभान। जी मैमुना बताइए कि आपने क्या क्या देखा। लहसुन, लहसुन, लैंप, प्याज, मिर्चें, बल्ब, दरवाजा, कुर्सी, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, केला। और बताइए याद कीजिए। दरवाजा, पटरियां। जी आपने बिल्कुल सही बताया। मैमुना ने टोटल 12 चीजों के नाम बता दिए। इसी साल हमारा सेगमेंट भी खत्म होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। यानी बच्चे आपको तो पता ही है ईद के दिन हम कनीज फातिमा से मुलाकात कर रहे हैं। ईद और कलियां आ गई, सुभान अल्लाह। ईद और कलियां, ईद और कलियां। आज ईद का तीसरा दिन है। तो आज भी हम कनीज फातिमा से मुलाकात करेंगे। सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक कनीज फातिमा, और आप कैसी हैं। खैर मुबारक।
تقبل الله منا ومنكم और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। गणेश पात्रों, बच्चों की ईद की खुशी तो उनकी ईदी में होती है ना, तो आज का हमारा टॉपिक भी ईदी है। गणेश पात्र, ये बताइए ईद के दिन चाचों से कितनी ईदी लेनी चाहिए, मामों से कितनी ईदी लेनी चाहिए और दादा दादी से कितनी ईदी लेनी चाहिए? क्या कहा, ईदी मांगना? अरे ईदी मांगना तो बहुत बुरी बात है। किसी से भी पैसे मांगना अच्छी बात नहीं। अच्छे बच्चे ना किसी से ईदी मांगते हैं और ना ही कोई गिफ्ट वगैरह। कभी फातिमा, ईदी मांगना बुरी बात है तो ईदी लेना और बहुत सारे पैसे जमा करना भी बुरी बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बस डिमांड नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अपनी खुशी से हमें ईदी दे तो वो ईदी लेने में कोई बात नहीं, बल्कि हमें ईदी देने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईद का दिन तो खुशियों का दिन होता है। हमें किसी का दिन नहीं दुखाना और किसी से कोई मुकाबला नहीं करना। बुरी बात तो ये है कि कुछ बच्चों के पास जब ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे बच्चों को चढ़ाते हैं कि आपके पास कम पैसे हैं और मेरे पास ज्यादा पैसे हैं। इस तरह कंपटीशन करना और किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं। फिर हम बच्चों का क्या होगा? तो गणेश पात्रों, इसका मतलब कि हम बच्चे ईदी ले सकते हैं? तो ये बताएं, जब ईदी जमा हो जाती है तो उनको कैसे खर्च करें? कोई बच्चे को छुपा के रखते हैं और कुछ बच्चे अपनी अम्मी अब्बू से छुपा लेते हैं। सब बच्चों और बच्चियों को मेरा मशवरा तो ये है कि अपनी ईदी के पैसे अपनी अम्मी या अब्बू के पास रखवा दें। इस तरह आपके पैसे सेफ भी हो जाएंगे और कहीं छुपाने भी नहीं पड़ेंगे। और फिर अम्मी अब्बू वो पैसे आप पर ही तो खर्च करेंगे। और अम्मी अब्बू से पैसे छुपाना गंदे बच्चों का काम है, हमें ऐसा नहीं करना। जज़ाकअल्लाह खैरा कलीस फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, सुने आपने कलीस फातिमा की बातें? तो हम किसी से भी ईदी की जुबान नहीं करेंगे और जो ईदी मिलेगी उसे लेकर उसका शुक्रिया अदा करेंगे और बाद में वो ईदी अपने अम्मी अब्बू के पास रखवा देंगे। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईद की खुशियां हैं, फिर की कलियां हैं, रोजेदारों को मिली खुशखबरियां हैं। ईद और कलियां, ईद और कलियां, बच्चों का मदनी।